सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं मई बैटल पास में क्या क्या आने वाला है उसका रिव्यू। तो चलते हैं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलते हैं दोस्तों, फिलहाल हम पहले बात करेंगे मई बैटल पास में आने वाला फ्री सिप कौन सा होगा। तो जैसे दोस्तों, ये ओल्ड बैटल पास का सिप है दोस्तों, लेकिन जो मई बैटल पास में आने वाला है वो है, कहाँ गया नाम मेरा, तो वो होगा दोस्तों USS Arkansas CGN-41। तो यह दोस्तों आपको फ्री में मिलेगा सिप, वो भी 40 स्टेज पर। और दोस्तों बात करें सिप की, तो काफ़ी अच्छा सिप है और ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, और स्पीड भी सही है। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, 2 ईयर डिफेंस आया दोस्तों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं, और जिसमें मतलब इसमें जो भी इक्विपमेंट आए हैं दोस्तों, इसमें फ्री वाले इक्विपमेंट, लेकिन आप अपने हिसाब से नए इक्विपमेंट लगाकर इस शिप को बीस्ट बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इस मिसाइल की। तो भाई एंटी फ्लेयर मिसाइल तो है ही नहीं है, एंड 13,000 से 16,900 डैमेज है दोस्तों, रेंज भी काफ़ी अच्छी है। और रिलोड की बात करें तो भाई रिलोड तो बहुत ही ज़बरदस्त आया है इसमें, आप देख सकते हैं दोस्तों। और एमुनेशन भी 29, यानी भाई 5 सेकंड में रिलोड हो जाती है मिसाइल, और इसमें आपको सेकंड वाली 2 स्लॉट वाली मिसाइल मिलेगी, यानी आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों ये क्या है भाई, तो बहुत ही ख़तरनाक हो गया भाई, इसमें तो 3 कैनन दे दी, आप देख सकते हैं दोस्तों 3 कैनन। अगर भाई आप अपने मोनार को लगा सकते हैं इसमें, जो मोनार कैनन आती है शायद मेरी कहीं भी है कैनन। फिलहाल दोस्तों आप कोई भी कैनन लगाकर इसको पावरफुल शिप बना सकते हैं। तो भाई टाई 3 में 3 स्लॉट वाली कैनन काफ़ी अच्छा सिप है दोस्तों। और बात करें तो सबमरीन के लिए भी दोस्तों इसमें टॉरपेडो दे रखा है, लेकिन हेलीकॉप्टर का तो आपको पता ही काम कि क्या होता है, तो हेलीकॉप्टर तो भाई स्पोर्ट करने के लिए होता है। और ऑटो कैनन जिसमें आई है दोस्तों इस सरफेस एंड एयरक्राफ्ट के लिए भी यहाँ पे साफ साफ लिखा है दोस्तों, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि USS Dual Purpose। मेरी इंग्लिश दोस्तों बेकार है, लेकिन चलते हैं थोड़ी एडजस्ट कर ही लेंगे। फुली इंटरग्रेटेड ऑटोमेटिक नेवल गन, द सिस्टम इज ऑप्टिमाइज्ड टू फायर क्वांटम एंड सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, भाई क्या क्या लिखा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। थ्रीट सच अज सरफेस एंड टारगेट, यानी दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि सरफेस एंड एयर टारगेट के लिए ऑटो कैनन जानी जाती है, यानी दोस्तों इसमें टोटल 6 and 2 total 8 ईयर डिफेंस एंड 6 ऑटो कैनन है दोस्तों, काफ़ी अच्छा सिप है और वो फ्री है, तो दोस्तों आप इसको लेना ना भूलना। तो ये USA का सिप है दोस्तों, इसलिए USA का ही झंडा लगाएंगे हम। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें अगले बैटल पास में क्या क्या आने वाला है। तो सिप की तो बात हमारी हो गई, थोड़े हम टेस्ट भी कर लेते हैं दोस्तों इस नॉर्मल इक्विपमेंट के साथ। तो हमारा गेम प्ले हो रहा है चालू दोस्तों, तो हो गया है हमारा गेम प्ले। तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों क्या पवाल, तो ऑटो कैनन का डैमेज कहाँ ऐड हो रहा है, ये तो दिख गया दोस्तों, देखो ऑटो कैनन का डैमेज काफ़ी अच्छा है। अब मिसाइल का डैमेज टेस्ट करते हैं दोस्तों, ये देखो हमारी मिसाइल जा रही है, ये लो भाई साहब ख़त्म। एंड ये वाली मिसाइल दोस्तों ये नॉर्मल मिसाइल है दोस्तों, आप अपने हिसाब से इसमें लगा सकती हो, और सिप को मैंने बता दिया कि बीस्ट बना सकती हो। और इसमें जो भी कैनन आई है उसका ही टेस्ट करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 31,000 डैमेज एंड टॉरपेडो 4 सबमरीन एंड सरफेस। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो कि टॉरपेडो का भी डैमेज काफ़ी अच्छा है, अगर आप अपने हिसाब से टॉरपेडो दूसरा लगा सकते हो। एंड चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या आने वाला है इस बैट, तो बताता हूँ मैं क्या आने वाला है नेक्स्ट।
और दोस्तों नेक्स्ट आने वाला है अपना हेलीकॉप्टर, वो होगा दोस्तों वीआईपी पेटल पास में। तो कहाँ गया हमारा हेलीकॉप्टर? अरे कहाँ गया, मुझे देखना होगा दोस्तों कि हेलीकॉप्टर मैंने कहाँ रख दिया। थोड़ा वेट कर लो दोस्तों, शायद मैंने इसको यूएसएस नेमेसिस में ही रखा है। हाँ दोस्तों ये वाला हेलीकॉप्टर, तो दोस्तों वीआईपी बैटल पास में आने वाला है हेलीकॉप्टर। तो नाम है दोस्तों V247 विजिलियंट, विजिलियंट। एंड तो दोस्तों आप देख ही सकते हो ड्यूरेबिलिटी और स्पीड और मैनुअलिटी अवेलिटी रेडर रेंज वगैरह। तो इसमें इक्विपमेंट की बात करते हैं दोस्तों, चलते हैं, मैं आपको इक्विपमेंट दिखाता हूँ इसमें क्या क्या लगने वाला है। दोस्तों पहले मैं क्या करूँगा, इस हेलीकॉप्टर को यहाँ से चेंज कर दूँगा और ये लो भाई चेंज हो गया अपना हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर में चलेंगे और क्या क्या इक्विपमेंट आने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, तो बने रहिए साली वीडियो में। तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों कि नया बैटल पास के हेलीकॉप्टर में जो इक्विपमेंट है दोस्तों, कैनन विजिलेंट रेल गन 60 mm, सो ये हैवी एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, एक ये वाली जो हेलीकॉप्टर में कैनन लगी है दोस्तों, तो वो एयरक्राफ्ट को भी मार सकती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है दोस्तों। एंड मिसाइल है GSM एंड जॉइंट स्ट्राइक मिसाइल, लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च फ्यूचर मिसाइल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जब आपके पास होगा हेलीकॉप्टर तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। फिलहाल दोस्तों मेरा मैं आपको बता ही देता हूँ दोस्तों इसमें क्या क्या आने वाला है हेलीकॉप्टर में, कैसा हेलीकॉप्टर होने वाला है, कितना डैमेज देगा। तो बने रहिए इस वाली वीडियो में। द स्मॉल लाइट वेट, सीधा हम टेस्ट करते हैं दोस्तों इस हेलीकॉप्टर को। तो टेस्ट करने के लिए हम इसी जहाज का उपयोग करते हैं। तो ये रहा हमारा हेलीकॉप्टर, तो चलो दोस्तों करते हैं टेस्ट। तो हम टेस्ट करेंगे दोस्तों यामाटो पे। तो कैनन का डैमेज पहले आप देख ही सकते हो दोस्तों, कैनन का डैमेज कितना होगा। ये देखो दोस्तों कैनन का डैमेज 26,000। एंड कौन सी मिसाइल है, GSM, तो डैमेज 28,000 एंड 28,000 डैमेज ही निकाला दोस्तों। तो नेक्स्ट मिसाइल भाई क्या है, कोई बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 24,000 डैमेज आया इस वाले मिसाइल से। और भाई लॉन्चर हेलो 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 1, 2, 3, 4, 28,425 का डैमेज दिया है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। अब दोस्तों करते हैं बस्ट डैमेज का, कितना होगा डैमेज। तो ये लो भाई पहले हम इस साइले ही फायर करते हैं और टोटल यानी बस्ट डैमेज निकालते हैं कितना बनेगा डैमेज वन टाइम का। तो काफ़ी अच्छा डैमेज दिया दोस्तों, तो आप देख ही सकते हो। अरे भाई साहब ना हेलीकॉप्टर के, तो स्पीड की बात करें तो स्पीड आप देख ही सकते हो अच्छी है। वैसे हेलीकॉप्टर की स्पीड के मामले में तो भाई CS1 ही है। तो नेक्स्ट करते हैं दोस्तों हम टेस्ट कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा आने वाला है VIP में न्यू स्ट्राइक फाइटर F117 इन नाइट हॉक। तो दोस्तों ये वाला स्ट्राइक फाइटर आने वाला है VIP बैटल पास में, तो चलते हैं इसका भी हम टेस्ट करते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो उसका भी सही है इसकी, 13,000 स्पीड भी 85 नॉट्स एंड रेडर रेंज। यह एक अमेरिका का स्ट्राइक फाइटर है दोस्तों, तो करते हैं हम टेस्ट। यार तेजस तो पता नहीं कब आएंगे। तो करते हैं दोस्तों हम फिलहाल टेस्ट, तो करते हैं भाई यामाटो पे ही टेस्ट। तो इसमें दोस्तों पूरा ही न्यूक्लियर का सामान है, आपको मैं दिखा देता हूँ भाई। खतरनाक डैमेज एंड लेजर गाइडेड मिसाइल एंटी फ्लेयर,
24,000 का डैमेज निकाला आएगा जब। अरे यार ये बॉम्बर मेरे बॉम्ब ही गिर गया दोस्तों ये तो। चलो कोई बात नहीं, फिर से हम बॉम्बर को भर कर लाते हैं। बहुत बॉम्ब है दोस्तों, आप देख ही सकते हो। अब चलते हैं हम, करते हैं बॉम्बर का टेस्ट। बॉम्ब ये न्यूक्लियर बॉम्ब है, कौन सा है? ग्रेनेड लॉन्चर। भाई डैमेज देखना कितना होगा डैमेज। ओ भाई डैमेज हो गया क्या? डैमेज तो काफी अच्छा है। बॉम्बर मिस हो भाई। नहीं 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 अरे यार क्या हो गया, गजब हो गया गजब। चटी यार कोई बात नहीं है दोस्तों, हम फिर से ट्राई करेंगे ट्राई करेंगे। चलो मिसाइल तो अपना काम कर देंगी। कहाँ ये है, किधर गया है कैरियर की वजह से? ये कैर क्रैप्ट मेरा क्रैश हो गया। तो अब हम करेंगे दोस्तों फुल हमला। अब आप देखना डैमेज कितना होगा दोस्तों। देखा दोस्तों कितना डैमेज था, 1,97,000। तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों स्ट्राइक फाइटर। अब नेक्स्ट करते हैं टेस्ट। तो चलते हैं अगला टेस्ट क्या होगा, यानी क्या। तो दोस्तों अगली मिसाइल आने वाली है जिसका नाम है मैरीटाइम। मिसाइल ही कहाँ गई मिसाइल, तुम कहाँ हो मिसाइल? अरे कहाँ चली गई, मेरे को मिल गई मिसाइल दोस्तों। बैटल पास के प्रीमियम पास में आएगी या पता नहीं, वैसे तो मेरे को लगता है कि प्रीमियम पास में आएगी। मैरीटाइम्स मिसाइल स्ट्राइक मिसाइल, तो डैमेज तो दोस्त उसका 28,000 है करीबन। 28 नहीं है, 29,000 होगा दोस्तों। मैं अभी आपको दिखा ही देता हूँ कितना डैमेज है। तो चलते हैं करते हैं टेस्ट। यह मिसाइल प्रीमियम या वीआईपी बैटल पास में आ सकती है। तो ये कोई भी मतलब ये मिसाइल अंडर वाटर से लॉन्च नहीं कर सकते क्या? चेक करते हैं दोस्तों डैमेज में, आपको दिखा देता हूँ पहले। हेलो भाई देखो 28,598 डैमेज है। हेलो नॉट अंडर वाटर लॉन्च, फायर करते हैं और डैमेज भी अच्छा है दोस्तों। थोड़ा हम इसका व्यू लेते हैं। हेलो भाई मिसाइल गई अपनी विलो टैप। तो भाई मिसाइल भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे तो यार नहीं लगी। आपको लगी हो तो लाइक कर देना मिसाइल के लिए, क्योंकि भाई ओनली 28,000 डैमेज है इसलिए। और अगला आने वाला है दोस्तों क्या है अपना, कहाँ गया भाई यार डिफेंस, ये रहा इसमें है डिफेंस। तो यार डिफेंस का टेस्ट किधर है यार? ओ यार डिफेंस मिल गया दोस्तों, ये वाला यार डिफेंस है। तो इस यार डिफेंस का वीडियो दोस्तों मैं यहाँ पे आइकॉन में यहाँ पे क्लिक कर देना जो मैसेज आया आपके पास, वहाँ पूरा रिव्यू देख लेना। क्योंकि भाई यार डिफेंस है इसलिए गेम प्ले में ही इसका हम रिव्यू कर सकते हैं। तो इसका मैंने पहले ही टेस्ट कर दिया है दोस्तों, आप देख लेना। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आपके लिए कर ही देता हूँ थोड़ा गेम प्ले इसका एयर डिफेंस के। हेलो दोस्तों आ चुका है हमारा एयर डिफेंस, तो काफ़ी अच्छी है डिफेंस है दोस्तों। ये मेरे को लगता है कि शॉप में जो एक है ना रिम्स नाम से या डिफेंस, उसी की तरह दिखता है वाला या डिफेंस।
लेकिन ये दोस्तों एपिक में और वीआईपी बैटल पास में है, जरूर ये वीआईपी पास में आएगा, क्योंकि दोस्तों आप ही आपको दिखा देता हूँ कितना जबरदस्त है। शायद एंटी प्लेयर है, चेक करते हैं। अरे यार क्या बोलते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट, सॉरी एंटी, हाँ एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी प्लेयर, सॉरी, चेक करते हैं एंटी प्लेयर है या। ये तो बॉम्बर को भाई देख सकते हो, बॉम्बर को ही सकते ना, नहीं है भाई एंटी प्लेयर नहीं है, लेकिन भाई आप देख ही सकते हो कितना पावरफुल ये डिफेंस है एपिक में, स्पीड भी काफ़ी अच्छी है और रिलोडिंग भी फास्ट है। तो ये डिफेंस आप देख ही सकते हैं दोस्तों, चाहे शायद वीआईपी पास में आ सकता है और प्रीमियम में, या क्या पता भाई 38 स्टेज पर फ्री में आ जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट रिव्यू करते हैं दोस्तों। देखो वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट में बता देना। फिलहाल अब हम करेंगे दोस्तों रिव्यू अवतार के बारे में। तो अवतार कहाँ है, ये रहे दोस्तों हमारे अवतार यानी प्रोफाइल पिक्चर, तो आपको देखने को मिलेगा। ये वाला डांसर कहाँ गया, कहाँ है डांसर, ये देखो भाई डीजे जुक बॉक्स आपको बैटल पास में ही मिलेगा। और एक डांसर और है, कहाँ है, एक डांसर और है दोस्तों, अनीता रोज स्टाइलिश डिस्को डांसर, ओ भाई डिस्को डांसर। और एक आपको मिलेगा दोस्तों काउबॉय, तो ये तो प्रोफाइल पिक्चर है यार, इनका तो कम यूज करते हैं लेकिन किसी को भी पसंद आते हैं अवतार। तो भाई इतना देखो रिएक्शन में पायरेट। तो लास्ट रिव्यू करते हैं दोस्तों अपने कैमो ब्लैक यानी स्किन, तो स्किन में क्या आने वाला है मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्किन में क्या क्या आएगा। तो स्किन में दोस्तों आपको ये वाली स्किन देखने को मिलेगी प्रीमियम पास में, इसका नाम है क्या है नाम, चैम्पियन, ये प्रीमियम पास में आएगा, या तो दोस्तों 38 स्टेज पर फ्री में मिलेगा। और नेक्स्ट कहाँ है, कौन सी नाम है, कहाँ नाम अभी ढूंढना पड़ेगा। आ रहा है दोस्तों भाई वाली, तो यार स्क्रीन ज़बरदस्त है, आप देख सकते हो हॉट रोड, रोड है क्या है, हाँ रोड रूड ऐसा ही कुछ नाम है दोस्तों, आप देख ही सकते हो। तो लुक दोस्तों आप देख ही सकते हैं, देखने में तो ज़बरदस्ती लग रहा है। और लास्ट है अपनी दोस्तों, ये आपको प्रीमियम पास में मिलेगा, मैं आपको बताना भूल गया था, तो ये प्रीमियम पास में ही मिलेगा। और लेजेंड्री है जो वीआईपी पास में आएगा दोस्तों, उसका नाम है कहाँ है, गोरिल्ला नहीं है यार, गोरिल्ला नहीं है, ये तो खो गया, कहाँ खो गया यार, ऐसा नहीं हो सकता, हाँ मिल गया दोस्तों। तो ये वाला है एक और स्कीन जिसका नाम है वाइल्ड बेस्ट, तो ये वाला आपको मिलेगा दोस्तों वीआईपी पास की स्लॉट में। यहाँ पे मैं घोड़ा देखा था मैंने यहाँ पे, हाँ देखो दोस्तों घोड़ा सवार जा रहा है, इस पे दिख गया ना, दिख गया भाई कहाँ जा रहा है पता नहीं, आगे तो रास्ता ही नहीं है। तो इतना ही कुछ आने वाला है दोस्तों, तो फिलहाल चलते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।